हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। तो आज है 31 मार्च और मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 8 या 9 बजी थी उस टाइम, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था सारा कुछ घर का भी। और जैसे मैंने आपको सबको बताया था, आज सप्तमी है और हम दोनों ने फास्ट रखा है, तो इसी वजह से पूजा भी करनी थी घर में और सारा कुछ क्लीन करना था, भगवान जी को उठाना था, जोत जलानी थी। और मैं सोच रही थी ना माता रानी की स्थापना भी कर दूँ, मतलब जितनी मुझे पता है, वैसे बाहर माता जी की ही मूर्ति लगा के कर रही हूँ मैं आज मंदिर में, तो वो करना था। और फास्टिंग के लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा ही फिर हो जाता है उसका काम। और आज वैसे रूटीन डे है, तो खुशहाल के पापा भी, उनका भी काम है, तो वो भी बिजी रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मंदिर में जोत जलाने जा रही हूँ। तो माता रानी को आज मैंने नहला दिया है और उसके बाद चुन्नी चढ़ाई है उनको, और मोती की माला है वो चढ़ाई है, और उनके बाद उनकी स्थापना करूँगी। घर पे ही फूल और जो है ज्योत बत्ती वही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आज। और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, काजू बादाम, और पानी रखा है जल। तो ये फूल जो मैंने आपको दिखाए थे गमले में ही हुए हुए हैं, और ये माता रानी की एक फ़ोटो भी है चंडी देवी की, जो चंडी देवी मंदिर है वहाँ से आई हुई है ये माता रानी का एक फ़ोटो। तो बस ऐसे ही मैं छोटी सी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, आज फास्टिंग है इसी वजह से। तो पूजा हो गई है, आज फास्टिंग है जैसे मैंने आपको बताया ही है, और पूजा करके जस्ट अभी मैं बाहर आई हूँ, और बाहर खुशहाल की लाइन चल रही है इसी वजह से। तो अभी बनाऊंगी खाने के लिए कुछ, क्योंकि मैंने और खुशहाल के पापा दोनों ने फास्ट रखा है और वो वहाँ पे कॉल पे हैं, तो मैं यहाँ आई हूँ। और बाकी तो कुछ है नहीं आज ज़्यादा, पर देखते हैं आज, शायद अगर फ्रेम लगाई जाएगी
तो फ्रेम का मैंने सोचा हुआ है, पर शायद क्योंकि इनके काम पे डिपेंड करेगा। तो ये साथ होंगे तो थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है ना, खुशहाल की दवाई पीछे पड़ी हुई है तो बस वही है अभी तो। और खुशहाल का तो नॉर्मल ही बनेगा, मतलब अगर आलू बनाए तो आलू के साथ वो रोटी खा लेगा, तो उसका कुछ ज्यादा नहीं है। वहां पे भी मम्मी भैया भाभी सबने रखा हुआ है ससुराल में, तो आज लास्ट है ना इसी वजह से सब रख रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रखते, 2 3 4 जितने मर्जी रख लो, पर अभी ये लॉकडाउन की वजह से सामान को इतना एक्स्ट्रा है नहीं ज्यादा। तो साबुदाने पड़े हुए थे मेरे पास, तो उसको रात को ही भिगो दिए था, तो वो भी है, आलू भी है और सांवक भी थोड़ी सी पड़ी है। तो देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि जो ये कहेंगे बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना होता है, ज्यादा तो है नहीं भूख। चाय पी ली है थोड़ी देर पहले, तो पूजा करके ही चाय पी ली थी दोनों ने, और चाय पी के ये गए हैं अंदर, तो देखते हैं अब क्या ये कहते हैं वही बना लेंगे। और आज सुबह मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, इतने सारे मोर आए हुए थे वहां नीचे, सामने वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला बिल्डिंग, उसके नीचे का जो प्लॉट है वहां वहीं पे आए थे, क्योंकि ये बंद है ना, तो बहुत सारा वहां पे कूड़ा कचरा होता है, तो वहां कीड़े वीड़े होते हैं, तो ये लोग का तो मजा ही हो जाता है फिर, तो इसी वजह से आए थे। कम से कम हमने काउंट किया तब तक तो 12 थे, पता नहीं उससे ज्यादा होंगे तो, पर 12 तो थे ही। तो नेचर इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब इतना शांत माहौल हो गया है, कोई ज्यादा मतलब आना जाना किसी का होता नहीं है उस सर तरफ। तो वैसे तो पहले लोग आते जाते थे, अब कम आते जाते हैं, तो इसी वजह से ये लोग भी बाहर आते हैं। वैसे आवाज तो सुनाई दे ही रही थी, और फूल भी आज तो पूजा के लिए घर पे ही हो गए थे, वही ले लिए थे, जो 2 4 थे बस वही ले गए थे। मैंने ना माता रानी के ऊपर भी चढ़ाए थे फूल, पर वो बार बार गिर रहे थे, तो फिर मैंने नीचे ही रख दिए थे। और 2 4 फूल थे और ड्राई फ्रूट्स रखे थे और पानी, अभी तो यही था। अब भोग जब दोपहर को मैं बनाऊंगी तो उनका लगाऊंगी भोग, और कल तो अष्टमी है ही, तो अष्टमी का भी देखते हैं कैसे होता है। प्रसाद तो मैं सारा कुछ ही बनाऊंगी, छोले पूरी हलवा सारा कुछ, तीनों चीजें बनाऊंगी। पर अब फ्रूट्स और देखते हैं, अगर ऐसा हुआ कि कहीं देने जाना हुआ तो मैं ज्यादा बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वेस्ट जाए उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे तो सोसाइटी के बाहर ज्यादा किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो देखते हैं ऐसा होगा तो फिर जो दान वान देते हैं वही कर देंगे। बाकी तो कोई अभी प्लान है नहीं, इस बार की कंजक पूजा नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं। चलो माता रानी की यही इच्छा होगी, माता रानी करे जल्द से जल्द ये कोरोना रोग से हमें छुटकारा मिले, और फिर से दुनिया जैसी थी वैसी ही चल पड़े, क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है ना, सारा रुका हुआ है, सारे काम काज सब कुछ थम सा गया है। और घर में भी अब 6 7 दिन हो गए ना, तो अब नहीं अच्छा लगता यार, थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है। और दूध वाला भी अब तो आपको पता है, जैसे बाहर गेट तक ही आ रहा है, तो सुबह मॉर्निंग में एक बंदे को वहां लेने जाना पड़ता है ना, तो भी बहुत डर सा लगता है, क्योंकि बोला हुआ है ना कि ये 1 2 दिन बहुत संभाल के रहने पड़ेंगे, तो देखते हैं। चलिए फिर आगे का काम करते हैं, आज का दिन स्पेंड करते हैं। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ सांवक नमकीन वाले, जो खिचड़ी बनती है सांवक की वो। और मैंने जैसे आपको कल बताया था, मैंने ये इंडक्शन प्लेट निकाल लिया है, क्योंकि सिलेंडर की फिर दिक्कत ना हो जाए। वैसे तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर जितना हो सके अभी संभल के रहने में ही भलाई है। तो बस जो ये इस इंडक्शन पे नहीं बनती है जो चीज़, वही मैं अब गैस पे बनाया करूँगी। और इंडक्शन पे मैं मेरा ये वाला कुकर चल जाता है, तो मैं इसी में सामक बना रही हूँ, और साथ में बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी। तो सामक के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, जीरा और हरी मिर्च डाल के मैंने टमाटर डाला है, और उसके बाद आलू डाल दिया है। मैं ज़्यादा उसमें हल्दी या उस वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ नहीं करते, तो इसी वजह से मैं भी यही यही चीज़ फॉलो करती हूँ।
तो बस इसमें टमाटर और आलू और हरी मिर्च, बस यही तीन चीज़ डाल रही हूँ। और उसके बाद नमक, मिर्च अगर ज़्यादा तेज़ ना हो, आपको लाल मिर्च यूज़ करनी हो तो वो भी डाल सकते हो। और ये फ्राई हो गए थे तो उसके बाद मैंने जितना ज़रूरी था उतना पानी डाल दिया है, क्योंकि सामक हम बहुत टाइट टाइट नहीं खाते तो उसी वजह से हम थोड़ा सा ढीला ढीला खिचड़ी की तरह ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छाछ डाली है इसमें, क्योंकि छाछ डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। अगर कोई किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके ये ज़रूर ट्राई करना, मतलब बनाना आप। तो बस उसके बाद मैंने जब तक उबाल आया तब तक हिलाती रहेगी, और उसके बाद सामक डाल के फिर सीटी भी लगा लिया है। तो सामक भर के रेडी हो गए थे। उधर मैंने साइड में कुकर लग रख लिया था, और यहाँ पे मैंने आलू के लिए मसाला भून रही हूँ। आलू के लिए मसाले में मैंने लिए थे आलू और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये तीन चीज़ मैंने क्रश कर लिए थे, और सूखे मसाले। बस ये भी झटपट बन गए थे क्योंकि मैंने आलू उबाल के ही रख लिए थे। तो ये भी मैं तरी वारे बना रही हूँ तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस ये जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं उबले हुए आलू डालूंगी। तो ये देखिए पानी में थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा है, तो उसके तुरंत बाद मैंने ये कटे हुए आलू उबाल के फिर काट लिए थे वो डाल दिए। थोड़े से मैंने आलू मैश भी कर लिए थे ताकि उसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। ये आलू ऐसे भी अच्छे लगते हैं, अगर इसको अंदर आप कर्ड डाल के खाओगे, दही डाल के, तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और बस ये आलू बन के रेडी हो गए हैं, ये देखिए उबाल भी अच्छे से आ गया था। और उसके अंदर अब हरी हरी वो हरा धनिया मैं डालूंगी, और माता रानी को पहले भोग लगा लेंगे। दोनों के अंदर सामक और आलू, दोनों के अंदर मैंने हरा धनिया डाल लिया था। Rocket launcher, missile launcher, and what is this? Airplane, fighter plane. तो खुशहाल और उसके पापा खेल रहे थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम तीनों सो गए थे, आधा पौना घंटा सोए थे। उसके बाद शाम को चाय बनानी थी, पर चाय बनाने से पहले मैंने थोड़ी चिप्स तल लिए थे। तो ये आलू के हैं और साबुदाने के हैं, तो दोनों चिप्स मैंने तल लिए थे साथ साथ। और बस चिप्स तलने के बाद ये ना टेस्टी बहुत लगते हैं, इसमें जीरा और हरी मिर्च होती है इसी वजह से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस चिप्स तलने के बाद मैंने चाय रख ली थी, चाय भी मैंने इसी पे इंडक्शन पे ही बनाई थी। तो इस पे भी जो स्टील वाली सारी पतीली जो होती है वो सारी मेरी चल जाती है, तो चाय और दूध की टेंशन नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो मेरा जो तवा है रोटी बनाने वाला, नॉर्मल तवा होता है, वो भी इस पे चल जाता है, तो रोटी भी बहुत आसानी से बनती है। जब नए नए शिफ्ट हुए थे ना तो इसी पे सारा कुछ हम कर रहे थे, सारी चीज़ें इसी में बना रहे थे, क्योंकि तब जो वहाँ रेंट पे रह रहे थे ना वहाँ गैस पाइपलाइन का कनेक्शन था, तो उसी वजह से कनेक्शन चेंज करवाना था सिलेंडर में, तो यही यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे हम चिप्स और चाय के मज़े ले रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस शाम की तैयारी हो रही है, यहाँ पे साबुदाने की खिचड़ी बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए मैंने जो ये क्रशर में क्रश किए हैं वो मूंगफली के दाने और हरी मिर्च है, साबुदाने भिगो के रखे हैं और आलू काट के रखे हैं। तो जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ आप सबने देखा ही है, वैसे ही बना रही हूँ, कोई उसमें बड़ी बात थी नहीं।
बस माता रानी को भूख लगा के हम लोग भी खाने बैठ गए थे, रात का डिनर कर रहे थे। और खुशहाल के लिए मैंने आलू का परांठा बनाया था तो उसने वो खाया था। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सब्सक्राइब शेयर करना, सॉरी सब्सक्राइब बोल रही हूँ पर शेयर करना, ताकि वो लोग भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सके। तो चलिए हम तो साबुदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, आप सब भी खा लीजिए आके। और अब जाके सो जाएंगे हम थोड़ी देर में खेल के। तो चलिए कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहना सारे वीडियोस मेरे, अगर आगे के मिस किए हैं तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।